नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर हमको एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाए जिसमें क्लास इंटरवल कैसे हो, डिफरेंट हो, इक्वल ना हो। हम लोग याद रखिएगा क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं। इधर देखो थोड़ा सा, एक मिनट बाद में लिखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्लास इंटरवल। क्या चीज़ होता है क्लास इंटरवल? किसी भी क्लास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल या क्लास साइज कहलाता है। क्लास इंटरवल को ही एक्सक्लूसिव क्लास के लिए क्या बोला जाता है? क्लास साइज। समझ में आ रही है मेरी बात? हम लोग ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि क्लास इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। बात समझ रहे हैं? अगर इंक्लूसिव क्लास होता तो मैं क्लास इंटरवल वर्ड यूज नहीं करता। समझ रहे हैं आप? क्लास इंटरवल इंक्लूसिव में भी होता है, एक्सक्लूसिव में भी होता है। समझ रहे हो? यहाँ पर देखिए कैसी क्लासेस हैं, 0, 20, फिर 20 आ गया, 20 से 30, अगले में फिर 30 आ गया। एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट वाले के लोअर लिमिट के बराबर है कि नहीं? इसका अपर लिमिट 40 है, अगले का लोअर लिमिट 40 है, तो ये कैसी क्लासेस हैं? एक्सक्लूसिव ही है भाई ना। समझ रहे हैं? एक्सक्लूसिव में क्लास इंटरवल डिफरेंट है, हर क्लास का क्लास इंटरवल अलग है। बात समझे? अगर ये इंक्लूसिव क्लास होता तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता, उसको किस में चेंज करते? एक्सक्लूसिव में। और इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने का मेथड अलग है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। बात समझ रहे हैं आप? वो कैसे करते हैं चेंज? अगर ये इंक्लूसिव में दिया होता तो क्या करते, क्या निशानी होती इंक्लूसिव क्लासेस की, बोलिए? एक का अपर लिमिट अगले वाले के लोअर लिमिट के बराबर दिखता क्या? नहीं दिखता, तो हमको उसको बराबर करना पड़ता, तो वो एक्सक्लूसिव बन जाता। कैसे बराबर करते, बोलिए बोलिए? हम ये देखते हैं कि अपर लिमिट और अगले के लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है। समझ में आया? तो मान लीजिए हमने देखा 1 का डिफरेंस है, तो 1 को हाफ करते, है ना, और हाफ करके क्या करते, हर एक के लोअर लिमिट में उसको घटा देते और हर एक के अपर लिमिट में ऐड कर देते, तो देखते कि सभी क्लासेस कैसी हो गई सेम। समझ में आ रहा है? यानी क्या बन जाएंगी फिर? वो एक्सक्लूसिव क्लासेस बन जाएंगी। सभी सेम नहीं होंगी, अपर लिमिट अगले वाले के लोअर लिमिट के बराबर बन जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास बन जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में नहीं बदल रहे, ठीक है ना? अभी हम एक्सक्लूसिव क्लास लेकर के एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें क्या चीज डिफरेंट है, हाँ, क्लास इंटरवल या क्लास साइज। इसी को और क्या बोल सकते हैं आप? क्लास साइज अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? यहां पर देखिए, यहां क्लास साइज कितनी है इस क्लास की, इधर देखो ना, आप लोग बिल्कुल इतने व्यस्त हो जाते हो बनाने में कि सारी चीजें मिस करते जा रहे हैं। इधर देखिए, इस क्लास की साइज कितनी है या क्लास इंटरवल कितना है? 10। कैसे निकाले? 30 - 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आया? 10। इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, ठीक है, इसका पहले वाले का कितना आया? करो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20। तो इस क्लास का क्लास साइज या क्लास इंटरवल कितना है? 20। इसका 10, 10, 10, 10, 10, इसका कितना है? कितना है, बोलिए बोलिए? हम लोग ना एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं, कुछ बच्चों ने पेपर दिया, कितने मार्क्स का पेपर था? 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? हाँ, यहाँ पर मैं मार्क्स ले रहा हूँ, टोटल मार्क्स कितना है? हाँ, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन था, ठीक है ना? तो मार्क्स के ही तो हमने क्लासेस बनाए हैं, तो मैक्सिमम मार्क कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। ये है 70 और 70 से ज़्यादा, तो 70 से कहाँ तक हो गया? ये 70 से 100 हो गया। इसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, 70 से 100 हो गया। तो इसका थोड़ा सा साइज बताइए, क्लास इंटरवल 30। तो इस लास्ट वाले क्लास का साइज कितना? 30। और इस फर्स्ट वाले का साइज कितना? 20। तो इस क्लास का साइज या क्लास इंटरवल 20, इसका 10, 10, 10, 10, 10 और इसका 30। अलग अलग है कि नहीं? कहीं 20, कहीं 10, कहीं 30। तो क्या चीज डिफरेंट है क्लास इंटरवल? ये इंक्लूसिव नहीं है भाई, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में ही क्लास इंटरवल अलग अलग है। तो जब क्लास इंटरवल डिफरेंट होती है तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है और उसको कैसे सुधारते हैं, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ आया? तो अगर मैं इसी को देख करके ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा?
पहली क्लास का साइज आपको दिख रहा है ना कितना है, इस क्लास का साइज कितना बोलिए, 20, और बाकी सभी क्लासेस का साइज कितना है, 10, 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 और इसका 30. ये नीचे मैं क्लास साइज लिख रहा हूँ ना, क्लास इंटरवल सबके, ये आपको नहीं लिखने ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, और चाहे तो खाली समझ में आता है तो मत लिखिए, जरूरी नहीं है लिखना ये, ठीक है, यहाँ तक समझे आप. आप इररेगुलर क्लास इंटरवल के साथ अगर हिस्टोग्राम बनाया जाए तो कैसा दिखेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, धैर्य से देखिए, आराम से बनाइएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं बिल्कुल. हम लोग अपनी ग्राफ कॉपी में एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, बोलिए बोलिए, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स पर किसको रखना है, जो इंडिपेंडेंट, मार्क्स इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको और क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर किसको रख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक्स एक्सिस में किसको रखना है, मार्क्स, ठीक है ना, समझे, समझे कि नहीं समझे, हाँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, देखिए हमारे टेबल में, इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं मैं, टेढ़ा है ये, ठीक है, ठीक है, क्या अभी भी टेढ़ा है, चलो कुछ तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, ये जी, ठीक है, चलो लगभग काम चलाने के लिए ठीक है, हो गया, इधर देखो, बनाना नहीं है भाई ना, फिर लास्ट में मैं कहूँगा गलत है तो फिर आप उसको मिटाएंगे, तो क्यों बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार ध्यान से देखिए, पहले बनाना नहीं, आपको सीखना है, यहाँ बनाने के लिए पूरा एक्सरसाइज है आगे, समझ रहे हैं ना, पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है आगे चल के, तो इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, आराम से देखो, आराम से सीखो, ठीक है, और समझो देख देख के, थोड़ी सी बात यहाँ सुनते हो फिर बनाने लग जाते हो, फिर मैं कुछ चीज़ बताता हूँ तो वो चली गई, मिस हो गई, क्योंकि आप तो भिड़े हैं बनाने में, ठीक है ना, इधर समझिए ध्यान से, ठीक है, ये मार्किंग हमने कर दी, अलॉट कर दिया, मार्क्स को एक्स एक्सिस में दे दिया, और वाई में क्या दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, ठीक बात, ठीक है, हाँ, अब देखो ना, हमारे ग्राफ कॉपी में ये लाइनें हैं एक एक सेंटीमीटर की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसी लाइनें आई हैं ऐसे एक एक सेंटीमीटर दूर, आई हैं कि नहीं, एक एक सेंटीमीटर दूर ऐसी लाइनें हैं, है, और सेम एक एक सेंटीमीटर दूर ऐसी ऐसी लाइनें भी हैं, है कि नहीं, उसको मैं यहाँ मार करके दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसी लाइनें हैं कि नहीं, है, ठीक है, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे एक्स एक्सिस में मार्क्स को रखना है, मार्क्स ये हैं, दिखा, ये है 0, तो ये क्या होगा, 10, 20, क्योंकि हर जगह क्लास साइज कितना है, 10, 10, 10, 10, 10, है, यहाँ पर क्लास साइज 20 है, तो अगर बीच में मुझे क्लास साइज 10 देना है, तो ये जो एक सेंटीमीटर है, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया एग्जाम्पल नंबर 5 का, उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ आपको स्केलिंग भी लिखनी होती है, क्या लिखनी है, हाँ, यानी देखिए कैसे, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ये एक सेंटीमीटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एक सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये 10 मार्क्स, समझ रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया 10, फिर अगला 10, ये भी 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, समझे, और आगे जाना है, 100 तक पूरा करना है, तो थोड़ा सा आगे मैं ग्राफ को और बढ़ा लेता हूँ, दिस इज 90 एंड दिस इज 100, ठीक है, खाली देखिए भाई, देखो बनाना नहीं है ना, देखना है, समझिए पहले ना, दोनों में डिफरेंस, अभी एक ग्राफ हम और बनाएंगे, उसमें डिफरेंस क्या आता है उसको समझ लीजिए, फिर आप बनाते रहिएगा, ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ समझे, तो हर जगह तो 10, 10, 10 का है, तो हमने एक्स एक्सिस में एक सेंटीमीटर कितना ले लिया, एक सेंटीमीटर क्या दिखाएगा, 10 मार्क्स, एक सेंटीमीटर का गैप क्या दिखाएगा, 10 मार्क्स, एक सेंटीमीटर ये नापने में है ना, स्क्वायर आपका जो ऐसी लाइनें आई हैं एक सेंटीमीटर की होती हैं, होती हैं, तो एक सेंटीमीटर किस चीज़ को दिखाएगा, 10 मार्क, ये मार्क्स तो लिखे हैं मैंने सब, समझ आया, इसी तरह से वाई एक्सिस में क्या दिखाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं,
तो इसमें एक सेंटीमीटर कितने बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम नंबर कहां तक गया है? 12। तो मुझे कम से कम कितनी लाइनें खींचनी इसमें? 12 लाइनें। कितनी खींचा हूं मैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लो और छोटी कर देता हूं, देख रहा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। समझे ना? ये मान लो एक सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हो गया, यहीं तक चाहिए मुझे, मैक्सिमम नंबर 12 तक जाता है। समझ में आया? आया, बोलो, आ रहा है ना? हाँ, अब देखिएगा ना, इसका क्लास साइज कितना है? 20। तो हमको कितनी दूर जाना पड़ेगा? ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये हो गया 20। हुआ? हुआ ना? तो ये ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे। ये क्लास साइज कितना लेना है यहां पर? ये रेक्टेंगल का विड्थ कितना दिखना चाहिए? 20। ये 10 है, ये 10, तो मिला के 20। समझे? तो हमारा ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए हाइट कितनी होगी? 8। तो मुझे यहां तक आना है ना, ये यहां तक लेना है। ये हाइट हो गई ऐसी, और ये आ गई ऐसी। ये बना रेक्टेंगल, बना कि नहीं बना? हाँ, मैं यहां पर लाइन नहीं खींच रहा, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये क्या है, क्लोज फिगर, रेक्टेंगल। हो गया? इसकी वृत्त देखिए कितनी है, बेस का वृत्त कितना है? 20 है चौड़ाई, 10 पे नहीं है, 20 पे है। 0 से 20, 20 माइनस 0 कितना हुआ? गैप 20। और हाइट कितनी हो गई? 8 तक। पहला रेक्टेंगल बन गया। दूसरा रेक्टेंगल 20 से 30 कितना है इसका क्लास इंटरवल? 10। ये 10 इधर मैंने क्लास इंटरवल बनाया है भाई ना, याद रखिएगा, दिस इज व्हाट क्लास इंटरवल्स। समझ रहे ना? 10 10 10 10 10 का क्लास इंटरवल लिया है। वाई एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया था, वो हमें लिखना भूल गया, वहां नोट कर देता हूं। वाई एक्सिस में एक सेंटीमीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 स्टूडेंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। सो वाई एक्सिस में एक सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 स्टूडेंट को। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। क्या करना? स्केल। तो ऊपर में हेडिंग दे देना स्केल। ये स्केल हमको लिख के दिखाना होगा आपकी ग्राफ कॉपी के ऊपर में, सबसे ऊपर में, इस तरफ साइड में, ऊपर में ये लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, वहीं, समझ गया? उधर नहीं, ग्राफ में, ठीक है, समझ गए ना? जब आप बनाएंगे, हाँ, ऊपर लिखो या साइड में, उस कॉर्नर में, राइट साइड के टॉप में लिखना आपको, ठीक है? ये हो गया, ये हर ग्राफ में आप लिखेंगे, ठीक है? अभी मैंने खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर बताया है, बाद में हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो डिटेल से ध्यान देंगे इसको, ठीक है? हो गया, अब हम लोग आते हैं ये, इसका क्लास इंटरवल कितना? 10। और हाइट कितनी जानी है 20 30 की? 10 तक ना। 20 30 कौन है? ये 20 30 ये है 10 साइज क्लास इंटरवल। इसकी हाइट कितनी ले जानी है हमको? कहाँ तक ले जानी हाइट? ये आ गई 10 तक, आ गई ये वाली हाइट, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ये आ गया इसकी हाइट 10 तक, ठीक है? ये ऐसे चला गया और ये ऐसे आ गया, देखो, ठीक है? ये मिटा दिया मैंने, आपकी ग्राफ में ऐसा दिखेगा, डॉटेड लाइन में नहीं बना रहा। बन गया? इसका बेस देखो कितना चौड़ा है, इंटरवल कितना है? 10। इसका इंटरवल कितना है? 20। समझ आया? ठीक है, अगले का बोलो। 30 40 को हाइट कहाँ तक देनी है मुझे? 12 तक। 12 ये है ना, तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है? ये 40, ठीक है, बढ़िया से थोड़ा सा बना ही देते हैं कायदे कानून से। ये हो गया रफ डायग्राम, समझिए खाली आप ना। ये बना 30 40, दिख रहा है 10 इंटरवल, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स बेस दिख रहा है ना, सेम चौड़ाई। फिर अगला 40 50 कहाँ तक ले जाना है? 10 10 ये वाली लाइन थी, यहीं से ले लेते हैं ये, और ये 50। बन गया, ठीक है? फिर 50 60 का देखो, 9 तक जाना है, क्लास इंटरवल 10 ही है तो साइज वही रहेगी 50 60। और कहाँ तक जाना है? 9 9, इससे थोड़ा नीचे है तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये, ठीक है? 9 ये, ठीक है? बोलते जाना, ठीक है, बन गया 9। अगला बोलो 60 70। 11 11 कहाँ तक आएगा भाई? ये 10 था तो इससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है? ठीक है ना? ये
60-70, ठीक है, बन गया कि नहीं बना? बन तो गया है ना। चलो ये, चलो ठीक है, अब आगे पे आओ। अगला क्लास कितना है? 70 से 100 कितना इंटरवल उसका? 30। तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? 10 10 10, 30 है। और हाइट कितनी? 9 9। कौन सी थी? ये वाली थी, ठीक। तो ये चली गई ऐसे और ये आ गई ऐसे, ये ए, ये बन गया। दिस इज द ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल। और इसका बेस कितना? बेस कितना? 30। समझ आया? ये बन गया, ये है हिस्टोग्राम। क्या है ये? दिख रहा है ना बेस? 10 10 10 30। और इसका कितना है? 20। ये हिस्टोग्राम बना। क्या ये हिस्टोग्राम करेक्ट है? आंसर है नहीं। बेस कैसा होना चाहिए हिस्टोग्राम में? बेस का वृत्त सेम होना चाहिए। क्या हम इसकी वृत्त को सेम कर सकते हैं? हाँ, डायग्राम तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अगर इसकी वृत्त को हमको सेट करना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मैं सेट करता हूँ ना, एक छोटी सी सेटिंग हमको बनानी होती है। किस चीज़ की? इफ और देन की। किसकी सेटिंग बनानी है? इफ और देन। देखिए, शुरू में मैंने बताया था, अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल, रेक्टेंगल के इस लेंथ को क्या बोलेंगे? हाइट। और इसको क्या बोलेंगे? विड्थ। समझ आया? या इसको इंटरवल भी बोलेंगे, क्लास इंटरवल ही तो होता ही, क्लास इंटरवल ना, 10 का, 20 का, 30 का, कितने का इंटरवल है, बात समझ रहे हैं? और ये हाइट। तो ध्यान से देखिए, जब इंटरवल कितना है? इंटरवल, क्लास साइज कितना है? 20। तो हाइट कितनी जाती है रेक्टेंगल की? 80। ये दिख रहा है ना, इंटरवल 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इंटरवल 20 का होता है तो रेक्टेंगल की हाइट कहाँ तक जाती है? 8। तो इंटरवल 20 है तो हाइट कितनी? 8। तो अगर इंटरवल 10 बनाना है, क्योंकि सबका इंटरवल कितना है? 10। तो अगर मैं इसके इंटरवल को भी, इसके वृत्त को भी, बेस के वृत्त को 10 बनाना चाहता हूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी? इसमें हम लोग हाइट चेंज करते हैं, वृत्त उतनी ही रखते हैं। तो हाइट अगर गिर जाएगी तो ये वृत्त हम उतनी मान लेंगे 10। हाइट को एडजस्ट करके, क्योंकि ये नहीं बदली जाएगी, याद रखिए 20 डिस्टेंस दिख रहा है, 20 ही रहेगा। हाइट को कम ज़्यादा कर देंगे तो हिस्टोग्राम का एरिया कवर अप हो जाएगा, समझ रहे हैं, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें छोटी सी सेटिंग देखिए, कैसी सेटिंग करते हैं ना, ध्यान से देखिए, देखिए ना, इफ और देन की सेटिंग, इफ और देन की छोटी सी सेटिंग करते हैं। समझे नहीं समझे? बोलो ना। देखो क्या, इफ में क्या रखना है? क्लास इंटरवल। और देन में क्या रखना है? हाइट। क्लास इंटरवल और हाइट, क्लास इंटरवल और हाइट, इनके बीच हमको इफ और देन की सेटिंग करनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर क्लास इंटरवल 20 है तो हाइट कितनी होती है रेक्टेंगल की? 8। ध्यान से समझिएगा ना, देखिए, इफ क्लास इंटरवल इज 20 देन हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, जो भी हमने माना है। तो अगर क्लास इंटरवल 20 है तो हाइट कितनी? 8। इसको और शॉर्टकट में लिखता हूँ ना, इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं लिखना। ऊपर मैंने बता दिया हम किसकी सेटिंग कर रहे हैं, इफ और देन की सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर से देखिए, क्लास इंटरवल अगर 20 है, क्लास साइज, तो हाइट कितनी है? 8 है ना। मुझे क्लास इंटरवल कितना बनाना है? कितना बनाना है? हर जगह कितना होना चाहिए? मैक्सिमम जगह तो 10 10 10 है, तो यहां भी कितना होना चाहिए? 10। तो अगर क्लास इंटरवल 20 है तो हाइट कितनी जाती है रेक्टेंगल की? 8। तो अगर क्लास इंटरवल 1 हो जाए तो हाइट कितनी हो जाएगी? यहां 1 बनाने के लिए 20 को कहां जाना पड़ेगा? इक्वल के उस पार। ये इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की उधर जाएगा तो डिवाइड। तो ये 8/20 जब 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 इंटरवल कितना हो, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 1 है तो हाइट कितना होगा? 8/20 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की हाइट एडजस्ट हो गई। अब मुझे कितना बनाना है क्लास इंटरवल, 1 बनाना है कि 10 बनाना है? 10 बनाना है ना। तो यहाँ 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 10 कब बनेगा?
जब 10 मल्टीप्लाई होगा, इधर देखो रे ओए, इसको 10 बनाना है, ये 10 कब बनेगा, जब 10 मल्टीप्लाई होगा, और ये है इक्वल, इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में इक्वल लगा है तो उधर भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो आप जान रहे हैं। तो अगर मुझे इंटरवल का साइज 10 बनाना है, तो मैंने 1 में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई, ये हो गया हाइट, समझे। ये है क्लास इंटरवल, क्या चीज है ये, और ये क्या चीज है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, समझ आया। ये कितना हुआ, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलिए, समझ आया। तो अगर मुझे 10 साइज का क्लास इंटरवल रखना है तो रेक्टेंगल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो अगर मैं ये जो 8 सेंटीमीटर ऊपर तक गया है हाइट, इस हाइट को मैं 4 सेंटीमीटर पे बना दूं, तो ये जो 20 साइज था, हाइट कम हो जाने की वजह से कितना मान लिया जाएगा, 10 साइज में हाइट कितनी जाती है इसकी, 4, तो अगर मैं इसकी हाइट को गिरा के 4 पर ले आऊं, तो इसकी साइज कितनी मानी जाएगी, 20 की 10, भले वो हमको 20 दिखे लेकिन साइज कितनी मानी जाएगी, 10, समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम एक अगला डायग्राम बनाएंगे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बताने के लिए, इस हाइट को हम क्या कर रहे हैं, ये मैं मिटा देना है ना, लेकिन मैं अभी आपको हल्के डॉटेड लाइन से इसको दिखाता हूं कि ये था पहले, और नई हाइट हमको कितनी बनानी चाहिए इसमें, 4, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये ऊपर वाला नहीं है भाई ना, समझ रहे, ये हाइट खत्म हो गई, एक्चुअल हाइट कितनी आ गई इसकी। तो हम हाइट को चेंज करके क्लास इंटरवल सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, बात समझे आप कि नहीं समझे। इसी तरह इसकी हाइट अभी ज़्यादा है, हाइट हम कम कर दें तो इसका साइज कुछ भी दिखे, क्लास इंटरवल कितना बन जाएगा हमारा, 10। थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कैसे बनेगा, बोलिए, इसका क्लास इंटरवल कितना है, 30, तो हाइट कितनी गई है, 9, ठीक है ना, देखिएगा ना, क्लास इंटरवल अगर 30 है तो हाइट कितनी होती है ट्राइंगल रेक्टेंगल की, 9, तो क्लास इंटरवल अगर 1 हो जाए तो हाइट कितनी हो जाएगी, 9/30, और हमको कितना बनाना है क्लास इंटरवल, 10, तो क्लास इंटरवल 10 हो गया, तो हाइट ये 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 10 इंटरवल में हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, तो ये जो 9 सेंटीमीटर ऊपर है इसको क्या करना है, क्या करना है बोलिए, 3 सेंटीमीटर में हमको बनाना है, ये आ गई लाइन यहाँ से, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर लाइन, बस ये ख़त्म, ये ऊपर वाला हम मिटा देंगे, या अगला डायग्राम बनाएंगे तो इसको नहीं बनाएंगे, यहाँ से हाइट दे देंगे, समझे ना। तो इस रेक्टेंगल की हाइट कम हो गई तो इसका एरिया भी कम हो गया रेक्टेंगल का, बेसिकली बात एरिया की हो रही है, एरिया हम एडजस्ट कर देते हैं तो बेस अपने आप गिर के 10 पे आ जाता है, बात समझे। तो आप इसके बेस को चेंज करने की जरूरत नहीं, आप एरिया कम कर दीजिए, हाइट कम कर दीजिए, हिस्टोग्राम का एरिया कवर हो गया, जितना 10 में होना चाहिए था, 10 इंटरवल में उतना एरिया इसका आ जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इसकी हमको जरूरत नहीं, फिर ये हम नहीं बनाएंगे, ये खत्म हो गया, ये मॉडिफिकेशन हो गया, ये खत्म हो गया, ये मॉडिफिकेशन हो गया, समझे आप, समझे कि नहीं समझे। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है तो उसको कैसे चेंज करना, समझ आया ये मेथड, बोलिए बोलिए, छोटी सी सेटिंग करनी किस चीज की, हाँ, इफ क्लास इंटरवल इज सो मच या दैट मच तो हाइट विल बी सो मच, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए तो हाइट कितना होना चाहिए आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसको आप चाहें तो फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या चीज बना, ये जो हमको बनाना है क्लास इंटरवल, समझ आया, ठीक है। ये क्या चीज है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या चीज है, अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसको मैं अपने शब्दों में लिख देता हूं, बुक में आपको दूसरे तरीके से मिलेगा, डिजायर्ड क्लास इंटरवल, जो मैं क्लास इंटरवल बनाना चाहता हूं वो, समझ रहे हैं, ठीक है ना। या मुझे एक मिनट सुनिए ना, थोड़ा सा और, हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल की हाइट को, तो रेक्टेंगल की हाइट हम यहां पर लिखेंगे, हाइट ऑफ रेक्टेंगल कैसे एडजस्ट होगा, ये क्या चीज था, गिवन हाइट, ये क्या चीज है, हाइट, हाइट लिख रहे थे ऊपर ना,
गिवन हाइट ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां पर आप लिख लीजिए गिवन हाइट ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय, नीचे कौन आया 20 क्या था अनइक्वल क्लास इंटरवल जो इक्वल नहीं था, यही आया ना अनइक्वल क्लास इंटरवल। मल्टीप्लाई हमने किससे किया 10 क्या था डिजायर्ड जो हम बनाना चाहते हैं जिस साइज का डिजायर्ड क्लास इंटरवल, डिजायर्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन गया रेक्टेंगल की हाइट एडजस्ट करने के लिए, जो भी क्लास साइज हम चाहते हैं उस हिसाब का हाइट हमको मिल जाता है और ऐसे एडजस्ट करके हम लोग फिर इसको मॉडिफाई कर लेंगे तो ये करेक्ट बन जाएगा। बात समझे या नहीं समझे जल्दी बोलिए, हो गया। तो आपको ये नहीं याद रखना है, ये तो आपको याद रहेगा ना इफ देन की सेटिंग, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।